मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन में बैठक ली। बैठक में एकीकृत प्लान बनाए जाने के निर्देश देते हुए सिंहस्थ के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। वहीं कलेक्टर ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में प्रमुख मार्गों सहित हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पेयजल, बस स्टेशन सहित अन्य सुविधाओं के लिए एकीकृत प्लान बनाए। बैठक में सीओ विकास प्राधिकरण संदीप सोनी सहित संबंधित विभागों के संभागीय और जिला अधिकारी उपस्थित रहे हैं। सिंहस्थ की जो कार्य योजना है, उसमें जो 24-25 के बजट में इंक्लूड होना है, प्लस जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं उनकी समीक्षा थी, जिसमें कि जहाँ पे लैंड एक्विजिशन होना है वो लैंड एक्विजिशन सही से हो सके, जहाँ पर अनुमतियाँ जारी होनी है वो अनुमतियाँ जारी होकर के तेज गति से निर्माण हो सके, इसी की समीक्षा की गई है। विभागों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं सर, क्या क्या होना है? विभागों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं और पूर्व के जो प्रस्ताव थे उनकी DPRs बनने की प्रगति देखी गई है, जिनमें DPR वगैरह होकर के शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वहाँ पे टेंडर की क्या प्रोसेस है उसकी समीक्षा की गई है। जहाँ पर टेंडर खुल चुके हैं वहाँ पर लैंड एक्विजिशन और आगे के निर्माण कार्य की समीक्षा। सर कितने मेजर प्रोजेक्ट्स रहेंगे सर इसमें सिंहस्थ को लेकर? सिंहस्थ की जो पूरी कार्य योजना है उसमें इस वर्ष 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस वर्ष इंक्लूड किए जा रहे हैं। उसके पश्चात 2028 तक जो कार्य करने हैं वो पूरे जिले में 200 से ज़्यादा कार्य